नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रो मैक्स इन नोट 1 वर्सेस वीवो Y12G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो इन नोट 1 में 6.5 इंच जबकि Y12G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है जो कि इन नोट 1 से कम है। विड्थ की बात करें तो इन नोट 1 में 3.03 इंच जबकि Y12G में 3 इंच की विड्थ मिलती है जो कि इन नोट 1 से कम है। बात करें थिकनेस की तो इन नोट 1 में 0.35 इंच जबकि Y12G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो इन नोट 1 में 196 ग्राम्स जबकि Y12G में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इन नोट 1 में 6.67 इंचेस जबकि Y12G में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन इन नोट 1 में 1080x2400 और Y12G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन नोट 1 में 84.55% जबकि Y12G में 81.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो इन नोट 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y12G में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो इन नोट 1 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y12G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो इन नोट 1 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y12G की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो इन नोट 1 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y12G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो इन नोट 1 में माली G52 MC2 जबकि Y12G में Adreno 505 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो इन नोट 1 में MediaTek Helio G85 और Y12G में Qualcomm Snapdragon 439 मिलता है। बात करें RAM की तो इन नोट 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Y12G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो इन नोट 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Y12G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इन नोट 1 में एंड्रॉइड V10 क्यू जबकि Y12G में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो इन नोट 1 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 10,490 रुपीस
4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y12G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 10,699 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो माइक्रोमैक्स एंड नोट 1 में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y12G की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में इन नोट 1 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में इन नोट 1 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 6 एयर है, तीसरा ओप्पो F17 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A21S है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।